अभी मामी बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? लिपस्टिक लगाना ओके रहे। तो मेरा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। रिचा व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यू आर मेकिंग मी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? और आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ जो इतनी छोटी सी लिटिल क्यूट त्रिशा बैठी हुई है वो क्यों बैठी हुई है। तो चलिए अब त्रिशा ही खुद बताएंगी कि ये जो वीडियो है वो क्या होने। त्रिशा आज का जो वीडियो है वो क्या होने वाला है? आज मैं मामी को मेकअप करना रही हूं। ओ रियली? आपको मेकअप करना आता है क्या? हाँ। तो आपको क्या क्या करना आता है मेकअप में? लाइनर लगाना आता है, लिपस्टिक लगाना आता है, ब्रश लगाना आता है। ओके तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो आर यू एक्साइटिंग अबाउट दिस वीडियो? या। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं थोड़ा बहुत मेकअप करके बैठी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो के लिए थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल दिखना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिपस्टिक और काजल लगाया हुआ है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ क्योंकि अब जो मेरा मेकअप है वो त्रिशा करने वाली है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि त्रिशा किस तरीके का मेकअप मेरा करने वाली है। तो त्रिशा एक्साइटेड हो मेकअप करने के लिए? सबसे पहले मुझे क्या लगाने वाले हो? प्राइमर। ओके तो चलो जल्दी से अप्लाई कर दो प्राइमर पूरे फेस पे मेरे। वहाँ पे जब त्रिशा ने मेरा प्राइमर लगाना मेरे फेस पे अप्लाई किया तो मुझे लिटरली उनकी छोटी छोटी फिंगर से नींद आने लगी। इतना अच्छा लग रहा था जब वो मेरे प्राइमर लगा रही थी। सो त्रिशा अभी आप नेक्स्ट क्या यूज करने वाली हो? आपने प्राइमर तो मेरे फेस पे लगा दिया है तो अभी नेक्स्ट क्या यूज करने वाली हो आप? पेन स्टिक। ओके और बीच बीच में मैं उनसे पूछती जा रही थी कि ये आपने कहाँ से सीखा, कैसे लगाते हैं कहाँ से, तो वो बताती जा रही थी कि यूट्यूब से सीखा और थोड़ा बहुत मम्मा को देख के सीखा। त्रिशा अभी आप क्या यूज करो? मैं ब्लेंडर से आपका मेकअप ब्लेंड कर रही हूँ। ओके ये आपने कहाँ पे सीखा था त्रिशा? ये मैंने अम्मी मम्मी से सीखा क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल से सीखा क्योंकि मेरी मामी का फोटो शॉट है। ओके क्योंकि मैं सीख जाती हूँ। अभी और डरी हुआ नहीं है, अभी मैं और डरी कर रही हूँ क्योंकि अभी बचा हुआ है। त्रिशा अभी आप क्या करने वाली हो? मैंने अपने फेस पे पूरा फाउंडेशन त्रिशा ने अप्लाई कर दिया है और अभी त्रिशा आप क्या करने वाले हो? मैं सेट करने वाली हूँ मेकअप, ये देखो। ओके त्रिशा इसको लगाने से क्या होता है? इससे होता है सेट हो जाता है। ओके मैं मामी को आई शैडो लगाने वाली हूँ। ओके सो लगाओ। अभी यहाँ पर उन्होंने आई शेडो लगाना स्टार्ट कर दिया है तो जहाँ तक है उन्होंने ये ग्लिटर ही लगाया था आई शेडो के ऊपर और बस ये उनको ही करना था तो मैं बस करने दे रही थी। और यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मेरे चीक्स ग्लिटर लग चुका है बस। तो मेरा जो है वो आई शेडो लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। त्रिशा ने यहाँ पर भी ग्लिटर लगाया और आई शेडो भी लग चुका है मेरा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं त्रिशा? आईब्रो को फिल करना है। तो त्रिशा अभी हम नेक्स्ट क्या लगाने वाले हैं? लाइनर। पर अभी जो त्रिशा है वो लाइनर लगा रही है। छोटे बच्चों के हाथ थोड़ा हिलते तो आप लाइनर देख सकते हैं। हो गया। ओके हो गया ना? मेरा जो लाइनर है वो भी त्रिशा ने लगा दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा। अभी आप क्या लगाने वाले हो? ब्लश। ओके तो ब्लश जो है मेरा वो लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं त्रिशा? ओके आईटर लग चुका, अभी मामी बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? लिपस्टिक लगाना। ओके तो मेरा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। और अब जो है हम लास्ट में जो लगाने वाले हैं वो लिपस्टिक। अब
अब आप देखोगे यहाँ तक तो मेकअप अच्छा था और उसके बाद पता नहीं त्रिशा को क्या लगा कि मेरे ऊपर लुक भी ट्राई करने लगी। तो अब आप आगे बस देखते जाइए। मस्कारा, तो यहाँ पर वो मुझे मस्कारा लगा रही है। सो गाइज, त्रिशा मेरा मेकअप डन हो चुका है क्या? हाँ। तो अभी सच में बताना त्रिशा कि मैं कैसी लग रही हूँ जो आपने मेरा मेकअप किया? अच्छी लग रहा है। ओके त्रिशा, जो आपकी एज है वो कितनी है, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि आपकी जो एज है वो कितनी है? 5 years। ओके सो त्रिशा, आर यू हैप्पी जो आपने मुझे मेकअप किया है, जो नया लुक दिया है, तो आप उससे खुश हो कि जो आपने मुझे मेकअप किया है? ओके सो त्रिशा, डू यू रियली थिंक कि जो आई मेकअप है वो बराबर से हुआ है? हाँ, सब गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है त्रिशा? यहाँ यहाँ। ओके सो गाइज, अभी जो मेरा मेकअप है, जो मेरा लुक है, वो अभी डिस्क्लोज हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो त्रिशा ने पूरा मेकअप कर दिया है। अच्छी लग रही। एक और बच्चन त्रिशा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यू आर मेकिंग मी सो हॉरिबल। वाओ, बैठो। त्रिशा ने मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा अच्छा किया था, बट अभी आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा मेरे को मतलब पूरा वैम्पायर बना चुका है। और अब मैं करने वाली हूँ त्रिशा को फाइट। और पहले त्रिशा ने काफी अच्छा मेकअप किया था। वन टाइम इज द वैम्पायर। जो त्रिशा है अभी पूरा एक्सपेरिमेंट कर रही है मेरे लुक पे जितना वो कर सकती है। मामी पूरी अच्छी लग रही है। और ये देखो वैम्पायर जैसे। सो त्रिशा, आपको डू यू रियली थिंक कि जो आपने जो मेरा अभी मेकअप इतना अच्छा मेकअप किया था आपने, फिर आपने मुझे इतना वैम्पायर लुक क्यों दे दिया? दोनों ट्राई करना चाहती थी आपके ऊपर। ओ गाइज, जो मेरा मेकअप है जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिशा ने कितना अच्छा मेकअप मेरा किया। और आई थिंक जो त्रिशा ने जो गजल लुक जो मुझे दिया है उससे पहले जो मेरा मेकअप किया था वो ज़्यादा अच्छा था। तो अभी ऐसा ही बोल रही हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर दोनों लुक ट्राई करे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अब आप लोगों को कौन सा एक लुक अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर से बताइएगा। तो लाइक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और टू लाइक्स को बेल बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल दबा दीजिए। चलो बाय, नेक्स्ट चैनल में मिलते हैं।